पीछे आ जा। आगे आगे सेकंड वाले से थोड़ा इस तरफ खाली बस खाली बस मैडम खाली बस हां हां चाचा सीधो हां हां अरे ये कार मैम जी मैम हां राइट साइड सेंटर मैम सेंटर मैम राइट राइट साइड यू आर राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट चलो रे चलो जी मैम राइट से आके सेंटर 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 राइट राइट सेंटर चलो चल टाइमिंग भी दिख रहा है उधर जगह नहीं इधर इधर ही ओके डन सेंटर सेंटर मोबाइल प्रपोज़ ग्रैंड विलेज जॉब एंड
ये इनका इनका प्रोग्राम बना. दे वांटेड टू सी इट टुडे ओनली एंड वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि इन्हीं के लिए फिल्म बनी है, इन्हीं का विषय है. तो जब ये आए और इनका ये रिएक्शन होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है. I'm sure the writer, सबसे अच्छी बात है कि टीचर जो आप सबों को बनाया है, आखिर किसने पढ़ाना, किसने शुरू किया है, उसको अगर सम्मान दिया जाए तो हमें बहुत अच्छा है. ये मैसेज इन्होंने बहुत अच्छी तरह पास किया है. स्टाफ रूम की पॉलिटिक्स, प्रिंसिपल के साथ पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट के साथ पॉलिटिक्स, ये सब होता है और हम लोग इससे बहुत अच्छी तरह एसोसिएट हो पाए. आई थिंक वो एक इसका भाग था व्हाट एवर इट इज पॉलिटिक्स, बट द पार्ट विच टच्ड मी, जब मैंने भी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो जब के स्टूडेंट्स सामने आने लगते हैं, जो कोई लॉयर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई नासा में साइंटिस्ट बन गया और वो अपने टीचर को थैंक यू बोलते हैं. तो आई फील दैट वॉज द बिगेस्ट रियलाइजेशन कि हमें एक्चुअली हमारी टीचर्स ने बनाया है मगर हम सब ये बातें भूल जाते हैं. स्टूडेंट्स का अप्रिसिएशन, जब स्टूडेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं तो सबसे अच्छा लगता है. एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि टीचर को अपने नॉलेज को इतना अपडेटेड रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स उनको अपने आप रिस्पेक्ट करें. मगर उसमें भी आपने देखा इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था, टीचर्स को पढ़ाई करनी पड़ी जी. वो हम लोग उनकी भी प्रेपरेशन थी, टीचर्स को हमेशा ही पढ़ना पड़ता है. आपने बहुत अच्छा किया, हमेशा आप स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट अपने आप मिलेगा अगर टीचर्स याहू और गूगल तो आप आए ना. आई नो बट इन्होंने पढ़े याहू और गूगल पढ़े एंड दे न्यू द एप्लीकेशन. बहुत लोगों ने पढ़ा. Thank you so much. Thank you, guys. Freedom, freedom.